गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश ऑफ क्लास 5. वी हैव रीड दिस चैप्टर येस्टरडे, सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड टुडे. सो वी हैव रीड दिस चैप्टर टिल हियर. सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर फ्रॉम देयर हियर. सॉरी, वी हैव रीड दिस चैप्टर टिल हियर. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. Come and have a game, she called make up a for. वो कहती है, जब वो बाहर चले जाते हैं, ऐसे कहते हैं कि किसी को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो कहती है आओ चले और हम एक गेम खेलते हैं. I can't run, मैं दौड़ नहीं सकती, said Alma. Alma बोली कि मैं दौड़ नहीं सकती. In her usual dull voice, जो उसकी सामान्य डल सी वॉइस थी, उसी आवाज़ में उसने उसको बोला. I'm too fat, मैं बहुत मोटी हूँ. Too fat, मैं बहुत मोटी हूँ, एल्मा बोलती है. वेल, आई विल गेट योर फैट डाउन अ बिट, सेड इजाबेल. तो वो इजाबेल बोलती है कि मैं तुम्हारा ये वेट है, जो ये वजन है, वो तुम्हें, तुम्हारा जो फैट है, कम कर दूंगी. कम ऑन, आ जाओ. बट नो, एल्मा वॉज ऑलमोस्ट एज ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट मीन होता है जिद्दी. ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी. तो वो एल्मा जो थी, बट वो मन नहीं मानी, वो अपने जिद्दी स्वभाव के कारण उसने उसको मना कर दिया कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए. क्लॉडिन वाज, क्लॉडिन है, नेम है किसी का, किसी लड़की का, उसकी फ्रेंड का नेम है. क्लॉडिन गॉट आउट ऑफ ऑल गेम्स इफ शी कुड. जो क्लॉडिन थी वो हर गेम में से निकल जाती थी. एंड इवन आउट ऑफ द नेचर बुक्स, और जैसे कि अपने नेचर के अनुसार वो हर गेम से आउट हो जाती थी, निकल जाती थी. एट फर्स्ट शी हैड अरेंज मैटर सो दैट मैटर पाइल्ड मेंडिंग ऑन हर. सबसे पहले उसने अपने मैटर्स जो थे उसको अरेंज किया, जो कि मैटर ने उस पर लगाए थे, मैटर पाइल्ड, विच हैड टू बी डन इन गेम्स टाइम, जो कि गेम खेलते टाइम हुआ था. बट मैटर हैड गोन वाइज टू दिस लिटिल ट्रिक आफ्टर टाइम. बट वो मैटर जो थी, वो थोड़े टाइम के बाद वो उसकी ट्रिक जो थी, वो चाल जो है, वो समझ गई थी. And Claudine suddenly found that she had not enough mending to make an excuse for missing outdoor life. और उसके पास कोई भी बहाना नहीं था outdoor यानी बाहरी लाइफ से मिस करने के अलावा, उसके पास कोई और बहाना नहीं था Claudine के पास. Next is, बट क्लॉडिन वॉज नॉट टू बी डिफीटेड इन एनी थिंग. और वो किसी भी चीज़ में हारी नहीं थी क्लॉडिन जो थी. डिफीट मतलब होता है हारना, पराजित होना. इफ शी डिड हैव टू पुट ऑन गेम्स क्लोथ्स एंड शूज एंड अपीयर ऑन द फील्ड ऑफ कोर्ट, शी वुड फील सिक. अगर वो कपड़े पहनकर, जूते पहनकर बाहर जाती है, तो वो अपने आप को बहुत बीमार महसूस करती है. वुड फील सिक, अगर वो जाती है बाहर खेलने के लिए कपड़े शूज, अगर वो अपने आप को बहुत सिक मतलब बीमार महसूस करती है, एंड हैव टू गो और बीमार महसूस करती है. इट वॉज सिंपली अमेजिंग हाउ शी मैनेज टू स्लाइड आउट ऑफ द थिंग शी डिसलाइक्ड. यह बहुत ही अमेजिंग था, कि बहुत ही हैरानी भरा था, कि वो अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करती थी जिसको वो पसंद नहीं करती थी. डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करती थी. सो रीड दिस चैप्टर and find out difficult word from there, from this chapter, and write on your notebook these difficult words, and search on Google this word meanings. Okay, thank you.